idea. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद, फर्स्ट पहला स्कंद, दूसरा अध्याय और सातवां श्लोक। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता यनियत याशुभैराग्यम ज्ञानम चायत अहेतुकम्। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से, बोलो, मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति, भक्ति करना सबका कर्तव्य है। भागवत में ही वर्णन आता है, सवे पंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षरे अहेतुकी अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सभी जीवों का ये कर्तव्य है कि वह भगवान की भक्ति करें। उसमें कोई जाति भेद, रंग भेद, लिंग भेद कुछ भी नहीं। सभी जीव जो जन्मे हैं, मनुष्य जो हैं, स्त्री जो, सभी भक्ति करें भगवान की। और भक्ति कैसे होनी चाहिए? अकारण भक्ति के लिए हमें कुछ भगवान से मांगना नहीं, सेवा करनी, ये हमारा कर्तव्य है। समय पंसो परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्ष दे अहैतुकी, बिना किसी हित के अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान का एक नाम है अधोक्ष दे, वो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। इन भौतिक आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते। तो भगवान को देखने के लिए फिर क्या नई आंखें लानी पड़ेंगी या इनको निकालना पड़ेगा? नहीं, ब्रह्मा जी ने बताया। ब्रह्मा जी ने भी भगवान की परीक्षा ली और फिर उन्होंने बताया कि कौन सी आंखों से भगवान को देखा जा सकता है। प्रेमंजन शुरिता भक्ति विलोचने न, आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा। इन आंखों में प्रभु का प्रेम लाना पड़ेगा। प्रेमंजन शुरिता भक्ति, और भगवान की भक्ति करनी होगी। वो कहती निष्काम विलोचन, संत सदैव हृदय जो विलोकयन्ति, जो संत हैं जो भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं उनको भगवान के हृदय में दर्शन होते हैं। संत सदैव हृदय जो विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर, भगवान का जो स्वरूप है वो श्याम सुंदर है। भगवान सांवले रंग के हैं श्री कृष्ण, और बहुत सुंदर है। यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमह भजा। हे गोविंद, हे आदि पुरुष, ब्रह्मा जी कहते हैं आपका बार बार भजन करता हूं। देखो ये ब्रह्म विमोहन लीला 5000 साल पहले हुई थी, जब भगवान 5000 साल पहले वृंदावन में ब्रज में कंस की कारागार में प्रकट हुए थे और ये भगवान ने लीलाएं की थी। तो लीला इस प्रकार है कि भगवान अपने साथियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ वर्णन आता है। वो जो ग्वाल वाले थे बड़े किन कृत पुण्य पुंज, उन्हें कितने पुण्य किए जो भगवान के सखा बने, उनके पुण्यों की कोई वो मतलब अंत नहीं। इतने पुण्य उन्होंने कृत पुण्य पुंज, बड़े पुण्य कर पुण्य करके उन्होंने को भगवान का संग मिला। अभी भगवान अपने सखाओं के साथ कलेवा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं।
जब बाल रूप में भगवान थे तो बछड़े चराते थे, तो उनकी माताएं उनको भोजन बांध देती थी, भाई खा लेना वन में। देखो भगवान ने बाल रूप से ही गायों की सेवा की। भगवान कौन है? उनसे परे कोई नहीं है, कृष्ण के परे कोई नहीं है, वो सबके स्वामी, सबके मालिक, सब कारणों के कारण है, और वो गाय की सेवा कर रहे हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि ये एक ऐसा प्राणी मैंने बनाया है, ये बड़ा अद्भुत है प्राणी। कौन गाय कहते हैं, अद्भुत क्यों है? बाकी पशुओं का गोबर, बाकी पशुओं का मल कभी स्पर्श हो जाए तो नहाना पड़ता है, पर गाय का गोबर पवित्र माना है, गाय का मूत्र भी पवित्र माना है। ऐसा जीव जिसका मल मूत्र भी पवित्र है, ऐसे की सेवा करनी चाहिए। और गाय का दूध जो है वो दूध नहीं है, फिर क्या है? एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा कि बीरबल कौन से पशु का दूध अच्छा है, तो बीरबल जी कहते हैं भैंस का दूध अच्छा है। अकबर कहता है मैंने तो सुना था गाय का दूध अच्छा होता है। कहते हैं कि जहां पना गाय का दूध नहीं होता वो अमृत है, दूध दूसरे पशु गाय का अमृत। तो ऐसे पशु की सेवा की, और हम सबको गाय की सेवा करनी चाहिए। भगवान ने बाल रूप से ही सेवा शुरू कर दी, और इतने जब भगवान छोटे थे तो बछड़े चराते थे, और फिर बड़े जब हो गए फिर गौओं को चराने लगे। तो जब बछड़े चराने थे भगवान ने, तो कहते हैं अपनी मैया को, माँ मैया मैं बछड़े चराऊंगा, अच्छा पे मुहूर्त निकाला गया। तो माँ ने कहा यशोदा मैया ने, बोलो यशोदा मैया की कि बेटा तू पाँव में कोई जूते पहन ले। कहते मेरे बछड़ों को भी जूते पहनाओ, वो नंगे पहुँच जाते हैं, मैं क्यों कुछ पहनूंगा। भगवान नंगे पहुँ गायों की सेवा करते थे, गायों की सेवा। तो ऐसे भगवान जिन्होंने गाय की पूजा की, गाय एक बड़ा ही महान आदरणीय, गाय को तो माता का दर्जा दिया गया है। एक वीडियो किसी ने भेजा मेरे को, एक मध्य प्रदेश में पता नहीं कौन सी जगह, इंदौर है या कौन, वहाँ एक दुकानदार है, कपड़े का काम है, उसके दुकान पर रोज एक गाय आती है और आकर के उसकी गद्दी पर बैठ जाती है, और वो भी इसका, और फिर गाय इतना प्रेम, गाय उसका सर चाटती है, गाय मतलब प्रेम करती है इतना, नियम से आती है। उसका नाम चंद्रमणि रखा है उन्होंने। और गाय जब तक उधर बैठी रहती है तो उसका बछड़ा बाहर प्रतीक्षा करता है। देखो गाय बात नहीं कर सकती, पर सारे हरकतें उसकी एक महान आत्मा की हरकतें हैं। तो वो भी गाय को बड़ा प्रेम, अपने रुमाल से गाय की आंखें साफ करता है, गाय बड़ा ही प्रेम करती है उसको, दुकानदार को। और वो उसने गौशाला भी खोल रखी है, उसमें भी गाय की सेवा होती है। तो गाय अमृत देती है। देखो भैंस का दूध जो है वो पीने से क्या होगा, अंदर चर्बी पैदा होगी, फैट, और दिमाग मोटा हो जाएगा। गाय के दूध से चर्बी पैदा नहीं होगी, गाय के दूध से हमारा ब्रेन अच्छा होगा। भैंस के दूध से चर्बी पैदा होने से ब्रेन में चर्बी चली जाती है, दिमाग मोटा हो जाता है, आदमी ठीक तरह सोच नहीं सकता, जैसे भैंस ऐसे वो भी भैंस जैसा बन जाता है। हमारे लोग जो हैं जो भैंस का दूध पीते हैं उनके दिमाग भैंस जैसे बन गए हैं। गाय का दूध पिया जाता है, गाय का दूध जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये सभी पवित्र हैं। गाय का घी, पंचगव्य, दूध, गोबर, मूत्र,
घी और पांचवा क्या, दही, पंच कप्या, पांचों पवित्र चीजें हैं। और गाय माता जो है हमारी माँ है, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, मानो बड़े हो गए, अभी बीमार हो गए बड़े, डॉक्टर कहता भाई ये कुछ खा नहीं सकता, इसको कुछ पचेगा नहीं, ऐसा करो इसको दूध पीने के लिए दो। तो अपनी माँ के पास जाके कह चला, माँ मुझे दूध दो, देगी माँ दूध? गाय माता दूध देगी। गाय कैसी है, ऐसा प्राणी है जो हमारी माँ है। सारे बोलो, देश धर्म का नाता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, बैल हमारा पिता है, बैल हमारा पिता है। बैल खेत में हल जोतते थे, अभी ये ट्रैक्टर आएगा बेकार के। ट्रैक्टर जो है ना, इनसे खेती जो है उनमें गुण नहीं होते। गाय के खुर में, बैल के खुर में बड़े गुण हैं। बैल जब चलता खेत में तो बड़ा बहुत कुछ उसका प्रभाव है। अब बैल बेचारे ऐसे बेकार कर दिए, ये ट्रैक्टर आ गए, ये सब बेकार है। भगवान प्रभुपाद जी कहते थे कि बैलों से खेती करनी चाहिए और गाय का दूध पीना चाहिए, जीवन सफल है। तो बैल को वो खेती अनाज पैदा करता, हमारा पिता है, धर्म का स्वरूप है, गौ हमारी माता है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, तो मनुष्य तुरंत अहेतुक ज्ञान, जो बाकी जो ज्ञान है ना कुछ स्वार्थ के लिए है, अहेतुक बिना हित के, अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। ये संसार जो है ना, इससे हम मोहग्रस्त हैं, अटैच हैं। पर भगवान की भक्ति अगर कैसी होगी, निष्काम भाव से। भारत में देखो मंदिर हैं बहुत, कृष्ण भगवान के मंदिर हैं। जैसे एक मंदिर में हम गए तो की रानी, उस समय को कोई रानी थी, रानी को वजीरनी, वजीर की पत्नी, उसने वो मंदिर बनाया था, बड़े सुंदर बिक रहा है। तो पुजारी जी को पूछा हमने, कहा पुजारी जी आप भगवान की ये ड्रेसेस कब कब बदलते हैं? कहते साल में एक बार, जन्माष्टमी के दिन। भगवान बिगड़ा रूप में आए हैं, गुरु महाराज ने सिखाया है, हमारे लॉस एंजलिस मंदिर में सुबह दोपहर शाम तीन बार ड्रेसेस बदली जाती हैं भगवान की। वो बेचारा साल में एक बार बदलता है। तो भगवान का, भगवान विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि हमें आंखों से जो देख सकते हैं उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। उनकी सेवा करते करते जब हमारी अंतरात्मा पवित्र हो जाती है, वही विग्रह फिर हमसे बातें करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने विग्रह सेवा बताई, और विग्रह सेवा करने से कैसी सेवा, निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं। देखो इस संसार में हमने रहना नहीं है, पेट लगा है, पेट भगवान सबका पालन करते हैं, किसी को भूखा नहीं रखते। गुजराती में कहावत है कि मारा बाला जो छे कीड़ी नो खावा माटे कनापे छे और हाथी ने मन। भगवान कीड़ी चींटी को खाने के लिए थोड़ा सा देते हैं, हाथी एक मन खाता है उसको मन देते हैं। हम लोगों को पापी पेट की चिंता, जैसे जानवरों को चिंता है ना, जानवर सारे दिन खाने के लिए ढूंढ रहा है, हम भी जानवरों के लिए तरह पेट की चिंता नहीं, हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, हमें कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, मन को कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए। मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा, उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत लगा, मन रे
हरि गुण गा मन रे, जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भवसागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा मन रे, हरि गुण गा मन रे, मन रे हरि गुण गा। देखो हमारा मन जो है उसको समझाया, मन भटकता है, विषयों की तरफ जा रहा है, पुरुष स्त्री की तरफ जा रहा है, स्त्री का मन पुरुष की तरफ जा रहा है, बेकार है। इस मन को हरि गुणगान में लगाओ। फिर जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी नाम उजागर कर गई मीरा, उन संग प्रीत लगा, उन संग मन हे हरि गुण का मन। देखो अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे ना, कुछ अगर मान लो नहीं कुछ अनुभूति हो रही, नहीं हम भगवान के निकट आ रहे, कुछ हमें ही दोष रहा है, लेकिन लगे रहना है। लगे रहने से धीरे धीरे, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है, पहले पहले शुरुआत में हम अपराध से युक्त नाम लेंगे, प्रभुपाद जी लेते रहना, धीरे धीरे अपराध से मुक्त होंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो नाम लेते रहेंगे, कवि तो राम खबरिया लेंगे, कवि कवि तो श्याम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे, दुखों से मत घबरा, दुखों से मत घबरा, मन रे हरि गुण गा मन, हरि गुण गा हरि गुण गा, प्रभु गुण गा प्रभु गुण गा, हरि गुण गा प्रभु गुण गा, हरि गुण गा प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा हरि गुण गा। ये प्रभु का गुण गाने के लिए क्यों कहा है? देखो भगवान का गुण गाने से पता क्या होगा, हमारे दुर्गुण चले जाएंगे, गुण हम में भी आ जाएंगे। भगवान तो मतलब जैसे पारस, पारस जो है लोहे को स्पर्श करने से उसका सोना बना लेता है, पारस को कोई फर्क नहीं पड़ता, पारस वैसे का वैसे ही रहता है। तो इसी प्रकार भगवान गुणों के भंडार हैं। याद रखो सर्वगुण संपन्न भगवान को पाने के लिए हमें भी अपने दुर्गुण निकालने पड़ेंगे, हमें गुण अर्जित करने पड़ेंगे, गुण लाने पड़ेंगे। गुण कैसे आएंगे? भगवान का गुण दान करने से। भगवान कैसे बाल लीलाएं करते थे, कैसे बछड़े चराते थे,
कैसे भगवान कलेवा करते थे, कैसे माखन चुराते थे, हैं भगवान का, इस भगवान के पीछे में जो भी है सब दिव्य है। एक बार मायापुर में मैं कृष्ण बुक पढ़ रहा था प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद जी बैठे थे, रात का समय था। प्रसंग आया, भगवान एक घर में गए माखन चुराने, माखन नहीं मिला कुछ भी, वहाँ पेशाब कर दिया भगवान ने। जब ये पढ़ा मैंने प्रभुपाद हंसने लगे, भगवान जो कर रहे हैं वो दिव्य है, कुछ भी वो कर रहे हैं, चोरी करते हैं वो भी दिव्य है, पेशाब किया वो भी दिव्य है, भगवान जो है ना कोई मतलब सब कुछ उनका दिव्य है। और भगवान ने गीता में भी कहा है ना, जन्म कर्मच मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म, मैं जैसे जो करता हूँ मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, जैसा मैं हूँ वैसे जो जानने का प्रयास करता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स्वधिना, फिर ये शरीर त्यागने के बाद उसको दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, वो मेरे धाम में आएगा, ये जीवन का उद्देश्य है। भगवान के धाम में जाने के लिए हमें भगवान के गुणगान करने हैं, उन बस सिवाय भगवान के और कुछ ध्यान में नहीं, भगवान का गुणगान है। प्रभु गुण गा हरि गुण गा, प्रभु गुण गा हरि गुण गा, प्रभु गुण गा हरि गुण गा, जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भवसागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, उन संग मन हे हरि गुण गा, मन मन रे प्रभु गुण गा, कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तेरे भी दुख दूर करेंगे, दुखों से मत घबरा, मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा, प्रभु गुण गा। देखो ये जीवन जो मिला ना हमको केवल भगवान के गुणगान करने के लिए, और किसी काम के लिए नहीं मिला। बाकी काम हमने खाने का काम, पशु पक्षी के शरीर में ज्यादा, हाथी रोज का दो मन खाता है, सोने का काम पशु पक्षी के शरीर में ज्यादा है। आपको पता है रीछ होता है अमेरिका में, वो 6 महीने सोता है, पोलर बियर 6 महीने सोता है, सोने का काम बियर ज्यादा करता है। अच्छा, और ये जो स्त्री का चक्कर या पुरुष का चक्कर, कबूतर 20 बार दिन में कबूतरी का संग करता है, उसके पीछे हमेशा उसका ध्यान ही उधर है। पशु पक्षियों को ज़्यादा सुविधा है, मनुष्य शरीर में हरि गुण गाने की सुविधा है, हमें केवल हरि गुण गाना है। हरि गुण गा प्रभु गुण गा, बस भगवान का गुणगान करना है, मन को संसार से हटाना है। मन देखो इतना भगवान के गुण, वैसे ही देखो जो सुख है आनंद है ना, वो भगवान के चरणों में ही है। संसार की किसी वस्तु में ज्यादा सुख सुख नहीं है, नाम का सुख है और परिणाम में दुख है। अब जैसे लड़का शादी करना चाहता है, लड़की भी करना चाहती, दोनों शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर
झगड़े शुरू हो जाते हैं आपस में लड़ना। संसार में ऐसा ही है, संसार दुखों का घर है। यहाँ सुख की खोज नहीं करनी, यहाँ बस भगवान की खोज करनी है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, कृष्ण गुण गा, कृष्ण गुण गा, मन रे हरि गुण गा, मन रे जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भवसागर से पार उतर गई, भवसागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, उन संग मन रे हरि गुण गा, मन रे। अभी देखो भगवान के चरणों का कमाल। अहल्या को श्राप दे दिया था गौतम ऋषि ने, क्योंकि अहल्या बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और स्वर्ग लोक का राजा इंद्र, स्वर्गलोक में एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं, अप्सराएं हैं, लेकिन ये विषय विकार इतने प्रबल होते हैं। स्वर्गलोक का राजा पृथ्वी पर आ गया भेष बदल करके, उसने अहल्या का संग किया, अहल्या का संग किया, वो भेष उसने गौतम ऋषि का रूप बना लिया। क्या किया देखो इंद्र ने, इंद्र ने चंद्रमा को बोला तुम ऐसी जगह पर आ जाना जहाँ 4 बजे तुम जहाँ आते हो, और मुर्गे को बोला तुम भी 4 बजे से पहले बांग दे देना, मतलब मुर्गे को भी ट्रेनिंग दे दी उसको भी। तो अभी बांग उसने दे दी होगी कोई 3 बजे ही, मुर्गे ने देता है 4 बजे उठने की। अभी मुर्गे की बांग आगे पीछे होती है, पहले मुर्गा ही उठाता था। तो गौतम ऋषि देख उठी, देखा चंद्रमा भी 4 बजे के स्थान पर है, नहाने गंगा जी में चले गए। जब गए, ये सब इंद्र का छल था, वहाँ जब गए तो गंगा जी को स्पर्श किया, प्रणाम किया, गंगा में ये कहते ऋषि आप इतने जल्दी क्यों आ गए स्नान करने के लिए, ये मैया चाल नहीं थे आपके साथ धोखा हुआ है। गौतम ऋषि वापस आए, जब वापस आए तो उनके घर से एक डुप्लीकेट गौतम निकल रहा है, वैसे ही गौतम बना हुआ है। कौन है तू जिसने मेरा वेश धारण किया है? उन्होंने जल का छींटा मारा तो इंद्र बन गया वो। देखा, पता लगा तूने स्त्री से इतना प्रेम है, स्त्री का जो गुप्त अंग है इंद्र के सारे शरीर में बना दिया, गुंजार तेरे शरीर में सारे, वहाँ हमारे क्षमा करो, पर वो आंखें बन गई। तो देखो ये मोह माया में सारी दुनिया पड़ी हुई है। तो अगर कोई भक्ति का आश्रय लेता है ना, निष्काम भक्ति करता है, कामना की भक्ति नहीं। जैसे भगवान ने कहा कि भगवान वेद व्यास सबे पुमसो परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्ष जे अहितु की अप्रतिहता, भगवान की भक्ति बिना किसी हित के, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। वो जो भक्ति होगी वही हमको भगवान से मिलाएगी, पैसे लेके भक्ति नहीं की वो नौकरी हो गई। भगवान को भाव और प्रेम अच्छा लगता है, और क्या दे सकते हैं भगवान, सभी कुछ होने का है। तो अहेतु की भक्ति ही प्रभुपाद जी ने दी है। जैसे महाप्रभु ने कहा कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की चोई। ऑलमाइटी लॉर्ड आई हैव नो डिजायर टू कम्प्लीट वेल्थ, मुझे धन नहीं चाहिए हे भगवान। आई डोंट वांट ब्यूटीफुल वुमन, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी नंबर ऑफ फॉलोअर्स, मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए। देखो जो बड़े बड़े महान हुए उन्होंने बड़े, जैसे एक कौन थे वो जिन्होंने जो नरोत्तम ठाकुर के गुरु कौन थे, लोकनाथ गोस्वामी, वो लोकनाथ गोस्वामी जी की भेंट हुई नरोत्तम ठाकुर से।
गौतम ठाकुर ने देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया, कहते हैं मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। लोकनाथ महाराज कहते हैं कि मैं किसी को दीक्षा देता ही नहीं। ऐसे जब लोकनाथ एक महाभागवत वैष्णव थे, उन्होंने कहा कि मैं लूँगा तो आपसे ही लूँगा और किसी से नहीं लूँगा। फिर उन्होंने सेवा की उनकी, मल मूत्र धोया, आकर फिर लोकनाथ को अपना प्रण बदलना पड़ा। उन्होंने फिर एक ही शिष्य बनाया नरोत्तम ठाकुर। गौरकिशोर दास बाबा जी भी दीक्षा नहीं देते, उन्होंने एक ही शिष्य बनाया भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। शिष्य इकट्ठे करना भी बड़ा डेंजरस है, खतरनाक है। शिष्य बना लिए ना शिष्यों का उद्धार ना अपना उद्धार, बड़ी गड़बड़ है, गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमको बड़ा सतर्क होना, गंभीर होना भक्ति में। भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करनी है। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका प्रेम चाहिए। ना धनम ना जन्म ना सुंदरेम कविताम बा जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवतार भक्ति आई चुकी तो। हे कृष्ण, भगवान सिखा रहे हैं मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति तो करूं बदले में कुछ नहीं, ऐसी भक्ति चाहिए। तो वो ये प्रसंग चल रहा है कि अभी कैसे है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, मुझे सिखा दे कैसे उसको लाना होता है। ये वाला तो श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहितुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। देखो, संसार से वैराग्य प्राप्त करना ही बड़ा जरूरी है। इससे अटैच रहेंगे, छोड़ना पड़ेगा एक दिन, छोड़ना पड़ेगा नहीं 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 छोड़ना पड़ेगा। तू घंटा लगा रहा है जवाब देने में, तू कह रहा नहीं माना, बड़ी देर लगाई, छोड़ना पड़ेगा। तुरंत तो बोलो, दूसरा कहाँ गया तेरा साथी त्रिवंगा, सो गया, छोड़ दिया। सब छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हमें जीवन काल में ऐसा बना लेना कि छोड़ने का जब समय आ, वो तो आएगा, आ गया देखो कहाँ गया। जब हमें छोड़ना पड़ेगा ना, कुछ कह रहा है तेरे को, वो कहते हैं मैंने छोड़ दिया तू भी छोड़ दे। ये कहानी कहते मैंने सब छोड़ दिया तू भी छोड़ दे। तो जब छोड़ना पड़ेगा ना, तो हमें ऐसा अभ्यास हो, मेरा था ही नहीं। जैसे एक कुछ प्रसंग मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, महाराजा हरिश्चंद्र राजा थे, बड़े महान थे। बोलो हरिश्चंद्र जी महाराज की जय। विश्वामित्र उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, नारद जी उनका गुणगान कर रहे थे। विश्वामित्र कहते राजा नहीं ऐसा हो सकता है, मैं परीक्षा लूँगा। तो विश्वामित्र जी आए, कहते हैं कि हमें अपना राज्य दो। कहते मेरा था कहाँ, ले लो, दे दिया। अभी विश्वामित्र उनको चक्कर में डाल रहे हैं, अच्छा राज्य दिया, अब दक्षिणा दो। बोल कितनी, 1100 स्वर्ण मुद्राएं। उन्होंने कहा लाओ। कहते कि राज्य दे दिया, ये जो कोष है इसके साथ नहीं था, साथ था। फिर काम करो जाके, लग रानी को बेच दिया, खुद भी बिक गए महाराज हरिश्चंद्र। 1100 मुद्राएं दक्षिणा दी विश्वामित्र को। भक्त जो है अपना कुछ नहीं समझते, हमारा है ही नहीं। ये रियलाइजेशन होना, ये अनुभूति होना, ये भगवान की निष्काम भक्ति करने से होगी, सकाम भक्ति से नहीं। जब हम निष्काम भक्ति करेंगे, पर मेरा कुछ है था ही नहीं, दिया तो क्या दिया प्रभु, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। आरती तो हम गाते हैं, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन कोई जाए, अपने भक्त जाए, कहते भाई कोई मंदिर की कुछ सेवा करो, फिर आरती गाएंगे, मेरा मेरे अर्पण क्या लागे तेरा। देने की बात आएगी तो कहेंगे मेरा है, हमारा कुछ नहीं है। मनुष्य कहता है याद रखो जात को, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा पति, मेरा घर, मेरा बार, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की जीत रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा
या दुबई में होगा, श्रीदेवी में। ध्यान में चलिए आप, ध्यान में नहीं, ऊपर देखो सामने। तो शरीर भी जब मेरा नहीं तो मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे भगवान हैं जिनको हम भूल गए हैं। कौन सा भजन है वो जिससे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, हम ये तो कहते हैं मेरी स्त्री मेरा पुत्र मेरा मकान मेरी कार मेरा बंगला मेरा मेरा मेरा, जो मेरे हैं उनको कहा है नहीं, बांके बिहारी नंदलाल मेरे हैं और कोई हमारा है नहीं, वही है हमारे। पर अभी हम ऐसे मोह माया के चक्कर में फंस गए हैं, मोह माया के चक्कर में फंस ऐसा हुआ दीवाना, पाप कर्म की खातर ढूंढे तू नित नया बहाना, एक रोज यमराज के सन्मुख पड़ेगा तुमको जाना, अरे नानी की तो बात क्या है याद आ जाएगा नाना। जब यमराज के पास जाना पड़ेगा ना तो नाना याद आ जाएगा, नानी भी याद आती है ना, तो हमें बस गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गो ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद याद रखो हमारे केवल गोविंद हैं। जब शरीर हमारा नहीं है, पत्नी बच्चे पति घर बार कैसे होगा हमारा, जब शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा नहीं, तो फिर और क्या होगा हमारा, कुछ भी नहीं है हमारे, तो गोविंद हैं जिनको हम भूल गए हैं। और निष्काम भक्ति करके निष्काम भाव से नाम लेना है गोविंद का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब निष्काम भाव से गोविंद का नाम लेंगे तो धीरे धीरे गोविंद का नाम अंदर शुद्धि करेगा, मन शुद्ध होगा, और मन जब शुद्ध हो जाएगा फिर हमें ठीक समझ ठीक हो जाएगी, भाई मेरा कोई भी नहीं है, ये पत्नी बच्चे ये पति सब ऐसे ही हैं, मेरे तो गोविंद हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सर में मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा भाई
मीरा भाई ने भगवान को अपना पति माना था। मीरा जी जब छोटी थी तो बाल रूप में बालिका थी, तो उनके घर के पास से बारात जा रही थी, तो उन्होंने अपनी माँ को पूछा, माँ ये कौन है ये सब? बेटी ये बराती हैं, घोड़े पर कौन बैठा? ये दूल्हा है। कहाँ जा रहा है ये? दुल्हन को बिहाने जाने जा रहा है। तो छोटी सी मीरा ने कहा, माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? अब क्या कहें उनको माता, तेरा दूल्हा कृष्ण है। उसी समय से मीरा जी ने कृष्ण का अपना पति मान लिया। अभी एक दिन मीरा जी सोचने लगे, मैंने तो कृष्ण को अपना पति माना है, पर कृष्ण भगवान ने मुझे अपनी पत्नी माना है या नहीं माना है? रात को सपना आया, भगवान बरात लेके आए, और मीरा जी से वो समझ गए, बस मेरे पति कृष्ण है। इसलिए उन्होंने कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो भगवान पति भी बन जाते हैं, वो ही हमारे सब कुछ हैं। कहा ना, तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च द्वरिनम तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा भाई बहन विद्या सब कुछ मेरे आप हैं। ऐसी परिस्थिति हमने खड़ी करनी है, ऐसे बनना है, ताकि जो परीक्षा के समय जब आएगा ना, आएगा परीक्षा का समय, दरभंगा नहीं, तेरी आंखें बंद हो रही हैं, हैं? नहीं हो रही है। परीक्षा का समय क्या है? क्या है परीक्षा के समय? उसको पूछ रहा है, पूछ रहा है। क्या है परीक्षा के समय? हैं? नहीं आ गया इसको, क्वेश्चन समझ आया ना? हैं? प्रश्न ये है कि अंग्रेजी बोलूं? हैं? तमिल इल्ले इल्ले तमिल कुंज कुंज तरिया मलयालम इल्ले इल्ले कि फिर कौन सी भाषा बोलू मैं? कौन सी भाषा बोलू? बोलो है? अंग्रेजी? हाँ, परीक्षा, परीक्षा जो है ना, उसमें हमको सबको बैठना है। बैठना नहीं बैठना है? तेरे को बैठना है? कब है? क्या कह रहे हैं? एंड ऑफ लाइफ। तो अगर हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगा होगा ना, तो फेल हो जाएंगे परीक्षा के समय। ध्यान इधर उधर जाएगा, क्योंकि भगवान को अपने हृदय में नहीं बैठाया, उनकी सेवा नहीं की, उनकी भक्ति नहीं की, तो मन भटक जाएगा, है ना, परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो परीक्षा में पास होने के लिए क्या करना है? मन रे हरि गुण का, भगवान का गुणगान करते रहना है, नाम जपते रहना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। और इतना अभ्यास हो जाना चाहिए, कभी भी आ सकता है। अभी जैसे कौन था, कई आदमी की परीक्षा जल्दी हो जाती है, किसकी देखे तो जल्दी परीक्षा होते हुए कुछ, कई को ऐसा होता है। एक और कहाँ की बात है, चलते फिरते परीक्षा हो जाती है, समय आ जाता है, आदमी दुनिया में खोया हुआ है, जाना पड़ता है सब कुछ छोड़ के, वो गड़बड़ हो जाती है। कभी भी जब परीक्षा, वो कभी भी आ सकती है, ये नहीं होगा कि फिक्स टाइम है उसका। बूढ़े को आ सकती है, जवान को आ सकती है, लड़के को, लड़की को, बच्चे को, सबको परीक्षा कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है हर समय। प्रिपरेशन क्या है? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम।
क्या हूँ रूपानुगा जी, ठीक है नहीं, ठीक बात है नहीं? हाँ, आप भी सिंधी हैं नहीं? पंजाबी। पंजाबी कितने रहने वाले तुझे? दिल्ली। अच्छा दिल्ली, पीछे पाकिस्तान केड़ी जगह? लाहौलपुर, रावलपिंडी। पापे तुझे भी? पापे एक पापा ते सौ सौ पापे रावलपिंडी दे पापे। तो हमें जो है ना परीक्षा में बैठना है, उसकी तैयारी करनी है, और तैयारी है भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे बस इस नाम का अभ्यास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद किया जाता है। और अभी कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? आप में से किसी को कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? तमिल में कैसे बोलेंगे ए? कोई प्रश्न किसी को है? संदेह मैंने कह रहे एरे संदेह मैंने कह रहे संस्कृत में भी है ना? संदेह संस्कृत में भी है ना? हाँ संदेह है ना? केल भी है केल में। चलो